मजाक में तो होती आई है। क्यों आपको आपकी माँ को कोई गाली दे तो गुस्सा आता है, पर यही किसी और को गाली देते हुए हम माँ शब्द का इस्तेमाल करते वक्त डरते हैं। बात यही है, अपने घर की बेटी, अपने घर की बहन, अपने घर की माँ, अपने घर की बच्ची के साथ कुछ हो तो सबको बड़ी तकलीफ होती है, किसी और के साथ हो तो सिर्फ एक हादसा है, एक न्यूज है जो हम सुन के चैनल आगे बढ़ा देते हैं। पर यू हैव टू रिमेम्बर, अगर सोसाइटी ऐसे ही चलती रही तो अगला नाम किसी का भी हो सकता है। अगर आप बाहर वालों के लिए नहीं कर रहे, कम से कम अपने घर वालों के लिए तो करें। क्या आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसी सोसाइटी पैदा करें जहां लड़कियां खुलेआम घूम सकती है। मैंने कल बहुत सुंदर बात पढ़ी, एक रील थी कि इस रक्षाबंधन, हम नहीं कहेंगे आपसे कि आप हमारी रक्षा करिए, बस हमें तकलीफ मत पहुंचाइए। आपसे कि आप रक्षा करिए, आप हर वक्त हमारे लिए खड़े रहिए, नहीं, आपकी भी अपनी जिंदगी है, आपके भी अपने स्ट्रगल है, आपकी भी अपनी मेहनत है, हम आपको नहीं कह रहे हमारी रक्षा करने, जस्ट डोंट हार्म अस, दैट्स इट। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, जिस दिन इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में इनकल्केट करना शुरू करेंगे, चेंज आएगा, क्योंकि चेंज छोटी छोटी चीजों से आता है। और यहां जितने लड़के बैठे हैं, मैं सभी से कहूंगी कि आपके पिछली जेनरेशन ने शायद वो नहीं किया, प्लीज बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। अपने बेटे को आप अच्छे संस्कार दें, क्योंकि शायद हो सकता है आपने जैसा कहा कि यहां पे जितने बच्चे हैं सब अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छे तरीके से इस कैंपस में अपने आप को रखा है, एक दूसरे से अच्छे तरीके से रहते हैं, पर अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि कई बार चेंज आने वाली जनरेशन में ही आता है, वी हैव टू डू दैट, कि जिस दिन मेरा बेटा होगा आई विल मेक श्योर कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे जहां पर एक औरत के सम्मान को ठेस पहुंचे। ये मेरा काम है, क्योंकि मुझे याद रखना है मैं सिर्फ अपने बेटे को नहीं पाल रही, मैं एक भाई को पाल रही हूं, मैं शायद एक दोस्त को, जो लड़की का दोस्त बन सकता है उसको पाल रही हूँ, मैं एक होने वाले पति को पाल रही हूँ और एक होने वाले बेटी के पिता को पाल रही हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे अच्छे संस्कार दू। और यहाँ जितने पेरेंट्स हैं, एक लाइन प्लीज बोलना बंद करिए, वो तो लड़का है। यस, क्योंकि पहला आप इससे लड़कों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं, और दूसरा जो लड़के हैं यहाँ पर, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर आप रियलिटी में इस वाक्य को समझेंगे तो वो आपको कह रहे कि वो तो लड़का है, वो तो है ही ऐसा, वो तो करेगा ही ऐसी हरकतें, उसे तो एक्सपेक्टेड है। क्यों है? मैं कई ऐसे मर्दों से मिली हूं जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अपने होते हुए कभी ऐसे गलत काम को होने नहीं दिया, यहां तक कि अपने इस मजाक को भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया है। मेरे ग्रुप में मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, जब कोई ऐसी बात हो, कोई और कह रहा है, तो वो टोकते हैं कि ऐसी बातें मत कर, तेरी बहन को कोई बोलेगा अच्छा लगेगा क्या? तो ये भी मर्द है समाज में। तो आप क्यों मर्दों को एक ऐसी कैटेगरी में डाल रहे हैं जहां पे आप कह रहे हैं कि लड़के तो ऐसे ही है, जब आप लड़कियों से कह रहे हैं कि प्लीज से हैशटैग नॉट ऑल मेन, से दिस टू योर पेरेंट्स, कि वो ये क्यों बात कर रहे, कोई लड़का जब गलत करता है कि वो तो लड़का है, तुम ध्यान रखो, क्यों? लड़के इतने खराब थोड़ी है क्या, बताओ? नहीं है तो ये प्रूफ कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा ना। ये बात पे भी आप उनको टोकिए, जब आप खुद गलती करें आपको भी पता होता है आपने गलती करी है, तो अगर कोई आपके आसपास वाला भी कह रहा है कि भाई वो तो लड़का है, लड़के को टोकना चाहिए कि मत बोलो मेरी गलती हुई है, आई शुड से सॉरी, हम ऐसे नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ मेरी गलती है, तो इस बात को लड़के तो ऐसे ही है बोल के मत डालिए, ताकि उसको एहसास हो कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। क्योंकि आप बचपन से ये सीख डाल रहे हैं ना, जब आप ये वाक्य का इस्तेमाल करते हैं वो लड़का है, वो क्या